नए कलेवर और रंग रूप में अवतरित दैनिक अर्थ प्रकाश के हरियाणा प्रदेश में पहले ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन वीरवार को करनाल में एक भव्य समारोह के तहत किया गया। इस अवसर पर घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वरिष्ठ विधायक हरविंदर कल्याण ने अपने कर कमलों से कार्यालय का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस अखबार के नियमित पाठक हैं, क्योंकि वह प्रदेश के किसी भी कोने में हो, चाहे चंडीगढ़ क्या, घरोंडा क्या और गुरुग्राम, हर जगह हर खबर उन्हें एक साथ पढ़ने को मिल जाती है। यह हरियाणा एक हरियाणवी एक का प्रतिरूप है। उन्होंने कहा कि अखबार आम जन की अपेक्षा पर खरा उतरेगा। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन संपादकीय सलाहकार नरेश कौशल तथा शैलेंद्र जैन ने किया। समाचार पत्र के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान संपादक महावीर जैन ने बताया कि 34 वर्ष से प्रकाशित इस अखबार को पाठकों की आशाओं के अनुरूप निखार कर पेश करने जा रहे हैं। आज हम जैसा कि सभी जानते हैं कि दैनिक अर्थ प्रकाश हमारा जो समाचार पत्र है वो नए क्लेवर में हम रीलॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके ऑफिस हम जगह जगह पर जाकर खोलने वाले हैं। आज ये पहला ऑफिस है, इनॉग्रल ऑफिस है, तो इसके लिए मैं हरविंदर जी का और यहाँ पे जितने लोग आए उनका मैं नाम अभी लूंगा बाद में, क्योंकि इनको जल्दी है, उनका सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। हरविंदर जी का खास तौर पर स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि महावीर जैन जो हमारे महाप्रबंधक हैं, हमारे एडिटर इन चीफ हैं, वो हरविंदर जी का फूलमाला डाल के स्वागत करें। इसके साथ ही इस ऑफिस के जो प्रभारी हैं इंचार्ज मदन जी, वो फूलमाला के साथ हरविंदर जी का स्वागत करेंगे। अब मैं महावीर जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो चंद शब्द अपने जो हैं सब लोगों को संबोधित करें। इस अवसर पर आए सभी भाई बहनों का अर्थ प्रकाश परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। माननीय विधायक जी आए हैं, रवि कल्याण जी, एक छोटी सी कार्यक्रम बेनती पर हम इनके मूल्यवान समाचार नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इनका दिल से गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं अर्थ प्रकाश परिवार की तरफ से, जो इस अवसर पर आके इन्होंने हमारे को सम्मान मान लिया। ऐसे त्रिलोचन जी जो आए हैं उन्होंने भी कहा है, एक मिनट में अभी आते हुए फोन किया था, वो भी आए हैं, और बाकी जो भी सज्जन आए हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त। बाकी मैं नरेश कौशल जी जो हमारे कार्य सलाहकार के रूप में जुड़े हैं, मैं सभी अगर अनुमति दें 5 मिनट लेने और मैं सिर्फ दो मिनट ले रहा हूँ। हरविंदर जी ने जाना, बाकी बात मैं बाद में करूँगा। मैं सबसे पहली बात तो आप सभी, मेरा ख्याल बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मैं दैनिक जीवन में संपादक रहा हूँ और मैं करीब करीब 40 साल से पत्रकारिता में हूँ। मैं रिटायर होने के बाद घर बैठ गया था, अपनी माँ की सेवा कर रहा था। मेरी माँ का देहांत पिछले 30 नवम्बर को ही हुआ है, तो मैं बेरोजगार हो गया क्योंकि मैं माँ की सेवा कर रहा था। लेकिन पता नहीं माँ का क्या चमत्कार आशीर्वाद था या मेरे बुजुर्गों का, पिता का था, कि जाने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और रोजगार दे दिया। तो मैं महावीर जैन जी जो हैं इन्होंने मुझे जो है सौभाग्य दिया है कि मैं इनके पास आया हूँ और सलाहकार संपादक के रूप में जुड़ा हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं जो प्रणाम करूँगा, धन्यवाद करूँगा माता के बाद महावीर जी का, लेकिन वो ये महावीर जी नहीं है, वो भगवान महावीर हैं, जिनके कारण, जिनकी प्रेरणा से इनका ऑफिस का बूटा लगा है। और दूसरा मैं प्रणाम करूंगा मूलचंद जैन जी को, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, और उसके बाद महावीर जैन जो बहुत ही उद्यमी हैं। मैं इनको 35 साल से, क्योंकि इस अखबार से मैं वैसे 35 साल से जुड़ा हूँ, और इन जो मेहनत कर रहे हैं सीमित साधनों के साथ, वो कमाल की बात है। हिंदी की पत्रकारिता की सेवा आज के दिन करना बड़ा मुश्किल है। एक स्वतंत्रता के दिनों में जब स्वतंत्रता संग्राम था तो ये कहा जाता था कि अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, अगर तोप का मुकाबला करना है तो अखबार निकालो। लेकिन आज बड़ी समस्या हो गई है कि अगर अखबार निकालना है तो विज्ञापन निकालो, ऐसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने देखते हुए आप सबके सहयोग हमें चाहिए, हम सबका बहुत ही तहे दिल से आभारी हैं।
और मैं बहुत ही दिल से वारी हूँ। मैं ये मेरे कोई नए नहीं परिचय नहीं है, मेरे अजीज हैं रविंद्र कल्याण। हम इनके पास, इनके घर, इनके माता जी के बहुत ही जाके दर्शन करते रहे हैं। बड़ा पुराना स्नेह मेरे साथ है। मैं बहुत ही दिल से तह दिल से वारी हूँ कि ये पानीपत में थे और मेरे हम रास्ते में थे। इतने ग्रेटनेस एक आदमी में इतने बड़ी जिम्मेवारियों के बीच आए हैं। बहुत तह दिल से हम आपके वारी हैं हरविंदर जी। हम आपसे आशा करेंगे कि आप हमारे अखबार के लिए कुछ ना कुछ प्रयास। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।